हेलो, वेलकम इन प्लांट पैराडाइज बाय शक्ति। मैं आज गार्डनर्स के बीच में ट्रेंडिंग चल रहे प्लांट फाइकस रेटुसा प्लांट की बात करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं इस प्लांट के केयर, प्रोपगेशन तथा इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, उसकी पहचान क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, इन सभी बातों की जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ना परफेक्ट बुनजाई होता है। मैं नर्सरी से इसको लेके आई थी और करीब 15 दिन तक मैंने इसको घर पे वैसे ही छोड़ दिया था। आज मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। आप देखिए, मैंने अब उल्टा करके इसको टैप टैप किया है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो रूट है ना, ड्रेनेज होल से बाहर आ रही है। ये पहचान होता है कि आप पौधे को रिपोर्ट कर दें। और इसकी मिट्टी बहुत चिकनी है, ये इन्होंने मिट्टी में लगाया है और इतना रूट बॉल है कि रूट इसमें इतनी ज्यादा है कि निकालने में बहुत ही परेशानी हो रही थी इसको। तो मैंने इसको पहले पानी में भिंगोया और इस तरह मैं धीरे धीरे करके इसके रूट को क्लियर करूंगी, क्योंकि उस मिट्टी में तो लगाना नहीं है हमको इसलिए। और चलिए, तब तक मैं आगे इसकी सॉयल वगैरह की और इसकी केयर की बात करती हूँ, कर रही हूँ, और आप लोग इस वीडियो में देखते भी रहिए। देखिए, सॉयल हमेशा इसका वेल ड्रेन होना चाहिए, और जो बोनजाई सॉयल में हम लगाते हैं बोनजाई में, वही सॉयल हमको यूज करना चाहिए। यदि लाइट की बात करें तो इस प्लांट को हमें ब्राइट लाइट तो चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैंने ये बुंजाई ट्रे लिया हुआ है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब हम बुंजाई बनाते हैं, जब पहले तो हमें जब बनाना स्टार्ट करना होता है किसी भी पौधे को, तो हमें डीप प्लांटर में लगाना चाहिए, और जब हम रिपोर्ट करने जाएं तो दूसरी बार तो हमें एक शैलो पॉट लेना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये शैलो पॉट है और मैंने एक वायर फिक्स किया है, क्योंकि क्या होता है ना कि पौधा हिलता है ना, तो बार बार उसकी रूट हिलती है, तो जब तक ये सेट नहीं हो जाता तब तक मैं वायर रखूंगी, बाद में इसको कट कर दूंगी। अब मैं वाटरिंग की बात करूं तो हर प्लांट की तरह इसमें भी वाटरिंग को 1 या 2 इंच, जब ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाए तो वाटरिंग करना चाहिए, जाड़े में कम करना चाहिए, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा, और ओवर वाटरिंग नहीं करें। देखिए, मैंने इस पे एक फैब्रिक बिछाने के बाद, नेट बिछाने के बाद, मैंने एक चारकोल की एक लेयर लगाई और मैं बोंजाई सॉयल ही इसमें लगा रही हूँ। कभी भी आप बोंजाई को लगाए ना, तो बीच में एक थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए, तो जिससे क्या होता है ना कि वहाँ पे ऊंचा होने से ना जो रूट है ना वो खूबसूरत लगती है, लगता है, ये आपको दिखेगा। अब मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इस प्लांट के लिए 18 डिग्री से 24 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लेकिन टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट हो तो प्रॉब्लम होती है, और कोल्ड ड्राफ्ट से इसको बचाना चाहिए। देखिए, मैं ये वायर से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये प्लांट हिले ना। जैसे मेरा प्लांट ये सेट हो जाएगा, मैं वायर कट कर दूंगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी इसका रूट वो इसकी रूट वो बन चुकी है, बन चुका है, इसका स्टेम बन चुका है। और फर्टिलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसको इस ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। इसको स्प्रिंग में तथा ग्रोइंग सीजन में 2 महीने में एक बार, जैसे ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर हुआ, लिक्विड फर्टिलाइजर हुआ, वो कर देना चाहिए, और जाड़े में फर्टिलाइज बिल्कुल मत करें। देखिए, मेरे पास लिका बॉल था, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मूंगफली के जो छिलके आते हैं ना उसको भी ले सकते हैं, ड्राई लीव्स ले सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसके ऊपर एक लिका बॉल की लेयर लगा दी, ताकि ये ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होगा और इसमें मॉइस्चर भी रिटेन करेगा, क्योंकि लिका बॉल पानी को एब्जॉर्व करके रखता है। इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, लेकिन पानी को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है, इसके कारण मैंने इसके लिकावर डाला। और ये जो रूट दिख रहे हैं उसको मैं स्फिग्नम मास से कवर कर दूंगी कुछ दिनों के लिए। जब इस ये प्लांट नीचे अपनी जड़ें जमा लेगा, फिर धीरे धीरे ये अपने आप हट जाएगा। पानी वानी देते देते ये स्फिग्नम मास हट भी जाता है, और यह हटा दूंगी मैं।
देखिए जैसे स्प्रिंग होगा, गर्मी होगी ना, तो इसमें काफी नई ग्रोथ निकलती है, तो नई ग्रोथ को तो आप हमेशा ट्रिम ही कर दें। और रिपोर्टिंग हमें इसको 2-3 साल में, जैसा आपने देखा है अभी कि ड्रेनेज होल से इसकी रूट बाहर आ रही थी, तो वैसी परिस्थिति हो तो जल्दी, नहीं तो 2-3 साल के अंदर आप इसको रिपोर्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। इस प्लांट में मोस्टली कोई बीमारी नहीं लगती है। देखिए मैं ये फंगिसाइड को पानी में घोल के इस प्लांट में डाल रही हूँ कि कोई भी फंगस वगैरह है लगा हो इसमें तो ये नहीं आगे नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली क्या है कि अटैक तो नहीं होता, लेकिन हम लोग जब इंडोर रखते हैं ना, तो वहाँ मॉइस्चर हमेशा बने रहने से, ज़्यादा लाइट नहीं लग मिलने से कभी कभार फंगस का चाहे मिलीवक्स का अटैक हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा इसको ओवर वाटरिंग से, ओवर वाटरिंग ना करें नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा, इसलिए ओवर वाटरिंग तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए सावधानी मैं बताने जा रही हूँ कि इस प्लांट के लिए हमें क्या क्या केयर लेना है, क्या प्रॉब्लम और क्या सावधानी बरतनी है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इस प्लांट की पत्तियां गिरने लगती हैं, आप थोड़ा भी इसको शेक करोगे ना, हिलाओगे ना, तो बहुत सारी पत्तियां आपको गिर जाएंगी नीचे। इसका कारण दो हो सकता है, या तो आप पानी ठीक से नहीं दे रहे हैं, और या आपने जहाँ रखा है वहाँ पे उसको लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो आप ये दोनों चीज़ें, पानी अच्छे से मेंटेन करिए और थोड़ा सा ब्राइट लाइट में इसको जगह बदल दीजिए। दूसरी सावधानी इस प्लांट में है कि इसको बोंजाई का रूप देने के लिए नई नई कोपलें जब भी निकलें कट कर दें, इससे प्लांट बुशियर भी होगा और खूबसूरत होगा। और तीसरी बात है कि यदि आप इस प्लांट में पत्तियों को छोटा रखना चाहते हैं तो स्प्रिंग में इसकी सारी पत्तियों को कट कर दें, तो जब जो नई पत्तियां आएंगी ना वो पहले से छोटी होंगी। ऐसा 1 साल में दो बार करें, जैसे पहला हो गया आपका फरवरी मार्च और दूसरा हो गया आपका ये सितंबर और अक्टूबर। तो इस तरह से जब जितनी बार आप करेंगे पत्तियां उतनी छोटी होती जाएंगी और खूबसूरती बढ़ती जाती है। फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है, अचानक से बड़ी सी लंबी सी डाल निकलती है और उसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसको इमीडिएट कट कर दें, उसको वो ना रखें, उसको बढ़ने ना दें। तो फिफ्थ पॉइंट है, रिपोर्ट करते समय बीच का जो सेक्शन है थोड़ा अपर लें, ऊंचा कर दें। और प्रोपगेशन की बात करूं तो इस प्लांट को हम ग्राफ्टिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं और स्टेम कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। स्टेम कटिंग के लिए आप एक अच्छी स्टेम काट लीजिए जो इसकी पत्तियों से, जो स्टार्टिंग पत्तियां हैं वहां से कम 3 इंच छोड़ के हो, और उनको आप सैंड और कोकोपीट है तो कोकोपीट, नहीं तो पीट मॉस में लगा दीजिए, और फिर से आप उसको प्लास्टिक कवर में तो यानी जब आप कटिंग लेते हैं ना, तो जब कटिंग काट लिया आपने और इसको पीट मॉस में और सैंड में लगा भी लिया, और उसको किसी प्लास्टिक की बोतल से कवर कर दीजिए। मैंने एडेनियम को जैसे एक बोतल में कटिंग लगा के दिखाया है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, सेम उसी तरह आपको करना है। यानी कि आपको मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट देना है, क्योंकि उसकी नमी अंदर, आपको ज्यादा पानी भी नहीं देना होगा और उसके अंदर की नमी इवोपोरेट नहीं होगी, जिसके कारण आपकी कटिंग श्योरली लग जाएगी। और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।